नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज के शैक्षिक समाचार। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के शैक्षिक समाचार। LDC भर्ती परीक्षा का परिणाम 1 माह के भीतर होगा घोषित। जयपुर प्रदेश से 1 माह से चल रही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा LDC भर्ती परीक्षा खत्म हो चुकी है और अब इसका जल्द परिणाम जारी किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, RSC कांस्टेबल भर्ती का परिणाम घोषित किया। चित्तौड़गढ़ राजस्थान पुलिस की ओर से गत 25 मई को आयोजित की गई RSC प्रथम बटालियन में भर्ती का परिणाम जारी कर दिया गया है। गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन 5 अक्टूबर तक चित्तौड़गढ़। सरकारी कर्मचारियों में आज से 5 दिन अवकाश बांसवाड़ा। स्कूलों में समसा से मिलेगा पैसा, बढ़ेगी सुविधाएं चित्तौड़गढ़। NMSS के लिए 27 तक कर सकेंगे आवेदन झुंझुनू। नेशनल मिस कम मेरिट स्कॉलरशिप। बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को दिए गए नगद पुरस्कार सिक्कर। स्कूलों में अब एक मुक्त कंपोजिशन स्कूल ग्रांट मिलेगी सुविधाएं स्वाईमाधोपुर। IIT में रिक्त पदों पर आवेदन 21 सितंबर तक। वरीयता सूची में जारी नहीं, नाराज अभ्यर्थियों को निदेशालय पर धरना। बीकानेर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 में लेवल प्रथम के दस्तावेज सत्यापन के बाद भी उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है, इसलिए उन्होंने मतलब उसके लिए धरना दिया है वहां पर। ये संविदा है। कार्यालय जिला परिषद चित्तौड़गढ़ राजस्थान। विज्ञप्ति, ये सामाजिक अध्ययन की यहाँ पर काउंसलिंग 20/9/2018, हिंदी संस्कृत की 22/9/2018, विज्ञान गणित 24/9/2018, अंग्रेजी 25/9/2018। ये है भरतपुर की, यहाँ पर सामाजिक की होगी 20/9/2018, हिंदी की 22/9/2018, विज्ञान गणित की 23/9/2018 और संस्कृत उर्दू इसकी इन्होंने डेट दे रखी है, और इंग्लिश की इसकी 24/9/2018 और इंग्लिश समस्त मतलब पुरुषों की होगी 25/9/2018। जोधपुर की काउंसलिंग है, ये विज्ञान गणित संस्कृत और विशेष शिक्षा की 21/9 को और अंग्रेजी की होगी 24/9 और अंग्रेजी ये शायद पुरुषों की होगी 25/9 को। नेक्स्ट है भरतपुर, इनकी SST की 20/9, हिंदी की 22/9, विज्ञान गणित 23/9 और संस्कृत उर्दू की और साथ में इंग्लिश की 24/9 और इंग्लिश पुरुष अभ्यर्थियों की 25/9/2018। कृषि कॉलेज में रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑडिटिफिकेशन सिस्टम शुरू। ग्रेड 3 तीन सब्जेक्ट के 126 टीचर्स का बदला सेटअप। बीकानेर पंचायती राज विभाग में कार्यरत श्रेणी तृतीय शिक्षकों के सेटअप परिवर्तन के लिए 6D की काउंसलिंग मंगलवार को शुरू। पहले दिन सामाजिक और गणित विज्ञान के 126 शिक्षकों को बुलाया गया, जिसमें से 117 शिक्षक पहुंचे, जिन्हें वरीयता के आधार पर रिक्त पद आवंटित किए गए। आज से सरकारी दफ्तरों में छुट्टी, बस एक दिन ऐच्छिक अवकाश लेते ही 5 दिन की छुट्टियां। कार्यालय जिला परिषद राजसमंद, ये राजसमंद की काउंसलिंग से संबंधित है। 23/9 को होगी सामान्य विशेष शिक्षक विज्ञान गणित सामाजिक। 24/9 को होगी सामान्य एवं विशेष शिक्षक हिंदी संस्कृत उर्दू। 25/9 को होगी सामान्य एवं विशेष शिक्षक अंग्रेजी। सरकारी कर्मचारियों की 5 प्रमुख मांगे। माने तो पड़ेगा 15,000 करोड़ का भार। RAS अफसरों के 77 पदों पर कैंची के प्रस्ताव के खिलाफ उत्तरी परिषद। ग्रेड 3 अंग्रेजी भर्ती मामले में एकल पीठ के आदेश पर रोक। जयपुर हाई कोर्ट ने अंग्रेजी के तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 लेवल 2 के मामले में एकल पीठ के 21 अगस्त 2018 के आदेश की क्रियान्वित पर रोक लगा दी है। इस आदेश से एकल पीठ ने 4,940 पदों की नियुक्तियों से रोक हटाते हुए राज्य सरकार को उन सभी चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर करने के लिए कहा था जिनके पास स्नातक में 3 साल लगातार अंग्रेजी विषय नहीं रहा हो, यानी एडिशनल BA वालों को अब शामिल कर लिया गया है। 1 अक्टूबर
एक अक्टूबर तक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन जरूरी, जीएसटी टीडीएस। प्रदेश के पदोन्नति हेड कांस्टेबलों को आज जयपुर में सम्मानित करेगी सरकार। शिक्षक के तबादले के विरोध में स्टूडेंट्स व ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर जड़ा ताला। तृतीय श्रेणी 6D की काउंसलिंग शुरू जोधपुर। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरा, अब इन स्कूलों में पढ़कर युवा बन रहे हैं अफसर, चौधरी, बाड़मेर। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 के द्वितीय लेवल की काउंसलिंग आज से बाड़मेर, ये बाड़मेर की है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण शैक्षिक समाचार। धन्यवाद।